हेलो माय ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज ही सेम डे आज अम्मी की बर्थडे है, ईस्टर की सेलिब्रेशन तो आपने देख ली है, और ये मैं जब अपलोड करूंगी बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो तो ये भी आपको होप अच्छी लगेगी। तो चले अम्मी की डेकोरेशन बर्थडे की जो की है हमने वो दिखाते हैं। और अम्मी हो गई है 70 साल की, उनके लिए केक और बुके आया है लेकिन उनको नहीं पता। लेकिन तो जी ये केक है, देखें कितना खूबसूरत है, और हमने ये भी लगा दिया 70। अम्मी 70 की हुई हैं और ये बर्थडे का भी लग गया है, और अब हम इसको रेडी करके लेके जा रहे हैं। और ये जर्मन चॉकलेट केक है, बहुत ही यमी एंड टेस्टी। तो आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है, कोई बात नहीं। ये डॉलर की बारिश करने के लिए तैयार बैठी हुई बेला दादो के लिए ये लेके आई थी, इसमें डॉलर्स हैं। फिर हो रही है, अजीम कर रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं केक की। और ये बुके वो लेके आई है। चलो छुरी बुरी पकड़ो, रेडी हो जाओ, चलो बर्थडे सॉन्ग गाओ इंडिया बेला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डॉलर की बारिश हो रही है, डॉलर की बारिश हो रही है, डॉलर लुटा रही है दादी। ये देखो जी, डॉलर की बारिश हो गई, ये डॉलर लुटाए वाला इंडिया ने, इंडिया सारे डॉलर इकट्ठे कर लिए। एक और, वाह भाई वाह, क्या ताकत है। ये हमारे घर में जो है बारिश हो गई है डॉलर्स की, और ये सिक्के भी गिरे हुए हैं। चलो केक खिलाओ आप, दसों सफाई के। ओ बेला को $100 लटाए। तो हम एक बार फिर से आ चुके हैं ट्रक अड्डा पे, और ये रश देख लें ट्रक अड्डा पे, और एंड्रिया तो लेट गई है। चलो हमारा टेबल रेडी है और हम चलते हैं टेबल की। तो जी हम आ चुके हैं अब ट्रक अड्डा, क्योंकि हमारी मोस्ट फेवरेट देसी फूड का ये जो है यहाँ पर अच्छी मतलब खाना अच्छा मिलता है। और हम सुबह की जो अगर देखें रूटीन, तो सुबह हम उठे, नाश्ता वगैरह किया, ईस्टर की सेलिब्रेशन की थोड़ी बहुत, और फिर हम लोग दोपहर में अम्मी की बर्थडे थी वो सेलिब्रेशन की, और बर्थडे के बाद हम लोग चले गए चर्च। और चर्च की, क्योंकि मैं इबादत के लिए जब जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाना, और मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उसकी चर्च की वीडियो नहीं डाली। फिर हम उसके बाद सीधा यहाँ आ चुके हैं, अब बज गए हैं 10, और 10 बजे हम लोग आ चुके हैं ट्रक अड्डा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स का वेट, उन सब के साथ आज हमारा डिनर था, तो हमने कहा चले आपके साथ एक बार फिर से ट्रक अड्डा का जो है व्यू शेयर करते हैं, और खाना भी शेयर करते हैं, और दोस्तों के साथ हम इंजॉय करके फिर जाएंगे घर। और मंडे को कल स्कूल है बच्चों का, फिर कल से वही रूटीन होगी, वही भाग दौड़ होगी। और ईस्टर के कुछ खास ड्रेसिंग तो नहीं की, कुछ खास कपड़े नहीं लिए, ऐसे ही बस जो सामने आया वो पहना और ले लिया, कुछ बच्चों के लिए बस कुछ ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है होता नहीं है ना अपना, फिर कोई सारी जैसे बहुत सारे लोग हों अपने सारे, तो फिर तैयारियों का पता भी चलता है। पाकिस्तान में जैसे एक खास तीनों जो हमारे इबादत के होते हैं हिस्से, उसके लिए हम मतलब स्पेशल तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर बाहर के मुल्कों में ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो तैयारी नहीं करते, बस ये है कि चर्च ज़रूर जाते हैं, इबादत ज़रूर करते हैं, लेकिन तैयारी उस तरह से जोश व खरोश से जैसे वहाँ पर क्रिसमस में और ईस्टर में पता चलता है। यहाँ पे क्रिसमस का तो बहुत पता चलता है, और ईस्टर का थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी रमज़ान, इनके भी आप लोगों के भी रमज़ान है और हमारे भी थे, हमारे तो हो गए ख़त्म, ईस्टर आ गया, और अब आप लोग की जो है ईद आने वाली है। तो ये मेरे पीछे व्यू देख, हैप्पी ईस्टर, ये आ गए हमारे, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर एवरीवन, ये आ गई हैं जिनका हमें इंतजार था, और अब हम खाएंगे खाना, बहुत भूख लगी है, वेट कराया आपने बहुत। चलिए आए खाते हैं एक देसी मजेदार खाना, और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारी भाभी। हाँ जरूर, चलें। ये है ट्रक अड्डा का टेबल,
जो कि रेडी हो गया हमारा। और ये है ट्रक अड्डा, ये है ट्रक अड्डा का मेन्यू। जो मेरा वाला ट्रक अड्डा आए हैं, ये क्या है, बीफ निहारी 26 की है, पफ पाया कुछ है, न्यू है भाई ये, प्राइस तो अच्छे ही है इनके। फास्ट फूड भी है इनके पास, चिकन बर्गर, फ्राइज भी हैं, और ये सब टी, ये टीका है, टी जो है 6 से स्टार्ट होती है और 7 तक, बीच में कम भी आते हैं प्राइस। ये सब इनके, इनके प्लेट्स चेंज हो गई हैं, वरना इनकी प्लेट्स जो बना हुआ था, ट्रक अड्डा बना हुआ था, जैसे ये इस पर टिश्यू बॉक्स ट्रक बना हुआ था, इस पर पूरा प्लेट्स चेंज हो गई हैं। तो मैं आपको एक गाड़ी दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, और यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया बना हुआ है वॉक के लिए। ये गाड़ी चेक करें कितनी मस्त है, दिल चाह रहा अंदर बैठने को, लेकिन पता नहीं किसकी है, जो भाई खड़ा शायद उन्हीं की है, और या फिर ऐसे ही रखी है शो के लिए, है कौन सी मुझे नहीं पता, बट जो भी है मस्त है। दो ही सीटें अंदर, और इस पे कुछ लिखा हुआ है, ओके ये इनकी है, नाइस जबरदस्त। वॉक के लिए बनाया इन्होंने, तो मैं वॉक करती हुई चलती हूँ, यहाँ से देखते हैं, इतना प्यारा लग रहा है ना, फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, ये वाइट फ्लावर और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ग्रास, मैं तो बीच में ही चल रही हूँ ग्रास के, लेकिन मुझे वहाँ से आना चाहिए। चलें जी, अब हम घर जा रहे हैं, और ट्रक अड्डा तो लें पहले, ट्रक अड्डा भी लूँ, हाँ, वो पहले लिया है मैंने, ये नज़र आ रहा है ट्रक अड्डा। खाना कैसा था निशा? बहुत अच्छा था, जर्सी कढ़ाई, चीज नान, और बड़ा पहली दफा, और पूरियां तो बहुत ही मजे की। निशा इंग्लिश फूड खाती है, हमने कहा चलो अब देसी तो ट्राई कराएं। एक दफा आपने जरूर आना है काका, और एंजॉय कीजिए पाकिस्तानी कुजीन। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद।